दोस्तों नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गेम शो कैसा काय हाउ आर यू, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी हमने यात्राएं की, जर्नीज की बहुत बहुत देशों की, लेकिन अब बारी है इंडिया की। और कोविड के बाद आज ये मेरा पहला टूर है। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहब के यात्रा के लिए, और वो भी बाइक पे। ये मेरा बाइक का पहला एक्सपीरियंस होगा, तो आप ज़रूर देखिए कि हम कैसे कैसे रास्तों से गुजरते हैं और आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। ये हमारी तैयारी चल रही है, हमारे साथ जा रहे हैं सुखविंदर सिंह भाई, अरविंद मैम और सलीम। हम चार लोग जा रहे हैं दो बाइक्स पे, और देखते हैं आपसे जो भी एक्सपीरियंस होगा शेयर करेंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती रहेगी आप लोगों के साथ जो है रूबरू होते रहेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। कर रहे हैं हम ये स्टार्ट जर्नी और देखते हैं क्या क्या रास्ते में होने वाला है। जुड़े रहिए, मेरे साथ है हरविंदर, ये मेरा राइडर है, और बुलेट से हम जा रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। देखते हैं, परमात्मा ने बुलाया, अच्छे से दर्शन होंगे और बहुत एडवेंचर रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए।
साहिब 11, देहरादून 57, हरिद्वार 118, शिमला 182, चंडीगढ़ 129। पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है। रात को यहाँ पर बाइक से जाना सेफ नहीं है क्योंकि जंगली जानवर जो है सड़कों पर आ जाते हैं, जिनमें मुख्यतः चीता या बाघ वगैरह काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए रात को इस एरिया में बाइक पर जाना सेफ नहीं है। की तरफ ये गुरु गोविंद सिंह चौक का जो पीछे गया है और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पौंडा साहिब शुरू हो रहा है। ये गुरुद्वारा 10वें पातशाही का है, गुरुद्वारा पौंडा साहिब, बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा। देश विदेश से सिख श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। ये एंट्रेंस है गुरुद्वारा जो पौंडा साहिब में है और कोरोना के चलते भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजिंग टनल बनी हुई है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको यहाँ से सैनिटाइज होके जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है जो कि हर गुरुद्वारे में होता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एंटर होते ही जोड़ा घर है जहाँ पर आप जूते वगैरह अपने रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। ये देखिए हमारे साथी वेट कर रहे थे मेरी, मेरे पास वो माला नहीं था तो मैं बाहर से लेके आया। इस वक्त हम गुरुद्वारा पौंडा साहिब के बिल्कुल पीछे हैं। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है यमुना नदी और यमुना यहाँ से काफ़ी तेज बहाव के साथ और बहुत आवाज़ के साथ बहती थी। इस जगह के बारे में एक कहानी बताई जाती है, एक मान्यता बताई जाती है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर रहे थे तो ये नदी की आवाज़ उनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर उन्होंने नदी को आदेश दिया कि कम से कम आधा किलोमीटर इससे पहले और आधा किलोमीटर बाद यहाँ आवाज़ नहीं कर रही। तो यहाँ पर जितना मर्जी पानी इस नदी में हो फिर भी यहाँ पर पानी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा मानना है। श्री गोविंद सिंह जी के हथियार हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हथियार। पौंडा साहिब 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, यहाँ पर उनके अस्त्र शस्त्र भी पड़े हैं। जो भी श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में माथा टेकने आता है तो गुरु के लंगर का स्वाद जरूर चखता है, क्योंकि गुरु के लंगर में अलग ही एक कृपा होती है, एक अलग ही आशीर्वाद होता है। महात्मा का आशीर्वाद, महात्मा का प्रसाद यहाँ पर
पर सबके लिए 24 घंटे खुला है। कोई भी किसी की जाति का कोई भी आकर यहाँ पर गुरु का लंगर ग्रहण कर सकता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।